देखिए, बार बार विवादित बयान देकर बवाल मचाने वाले फतेह बहादुर, जो कि राजद के विधायक हैं, एक बार फिर से हंगामा करते नजर आए। इस बार जब अपने ही सवाल में फंसने लगे फतेह बहादुर, तो पत्रकारों के ऊपर गरजने लगे, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। देखिए जरा क्या कुछ कर रहे हैं फतेह बहादुर। पूछते नहीं, अज्ञानी है आप। आप पूजा करते हैं लेकिन दूसरे को आप करते हैं। आप अज्ञानी है। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानो और तब मानो, समझ गए? मैं पूरा जान करके, सबसे बड़े जानकार आप शंकराचार्य से भी ज्यादा बड़े जानकार हैं। बुला लीजिए शंकराचार्य को, उनको मतलब बोलिए चर्चा में आ जाए, चर्चा में हाँ कर लेंगे। जितने देश में विद्वान लोग सब लोग बारी बारी, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, चुप रहिए, चुप रहिए आप। अरे वैसे क्यों बोल रहे हैं? जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं, आप शंकराचार्य से तैयार हैं? जो अंधविश्वास, जो बात खत्म, जो इन लोगों ने सवाल किया है, हम भी तो सवाल ही कर रहे हैं। अरे पहले जवाब तो दे लो यार, एक हुआ नहीं दोबारा मतलब चपक रहे हो। पहले इन्हीं की जवाब हो रही है सर, आराम से बात कीजिए। देखिए इतना काम है, इतने अकोट में क्यों आ गए? मैं आप लोगों का काम ही यही है। आपने कभी मोदी जी से मतलब कि सवाल किया कि आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था? मोदी जी आपने क्यों नहीं, अरे आपने किया उसे? पूजा करने से, मंदिर जाने से, नहीं जाने से देश के विकास पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे जिस चीज से देश के विकास पर फर्क पड़ता है उस पर बात करो ना आप लोग, उस पर तो बात आप लोग करोगे नहीं। सर मंदिर बढ़ने से टूरिज्म बढ़ेगा ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, एयरपोर्ट मिलेगा। पहले आप मेरा बात खत्म, पहले पहले मेरा बात खत्म हो जाने दीजिए, समझ गए? बोलिए, इन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि जिनको अंधविश्वास की तरफ बढ़ना है वो बढ़े, हमें प्रकाश की तरफ जाना है। और हम पूरे भारतवर्ष के देशवासियों से, तिरुपति गए थे, पूरे भारतवर्ष जाते थे, पूरे पूजा पाठ करते हैं। आप लोग बोलने देंगे तब न बोलेंगे? अब लगता है कि सारे लोग, जो जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बनकर आए हैं क्या? अरे यार आप बीजेपी से पूछो ना, आप बीजेपी से पूछो ना, सब आप वहाँ समझे। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आप पहले भी तो मंदिर जाते हैं, पहले लालू मंदिर है, आप कंप्लीट कीजिए, पता है आपको कंप्लीट कीजिए, मंदिर से एक बात बताओ, बोले मंदिर, मंदिर से कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर बनेंगे? बताओ ना, चल रही है सर, मंदिर से हॉस्पिटल चल रही है ना सर, सर मंदिर फतेह बहादुर जी का प्रतीक है ना सर, हमारे और हमारे देश का। जिनको जिस चीज, देखिए हॉस्पिटल तो बोल रहा हूँ, जिसको जिन चीज में आस्था है वो उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने का काम करेंगे। हमारा, हम चाहते हैं कि पूरे देशवासी शिक्षा के मंदिर को प्रकाशित करें, और शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। जो बात सावित्री बाई बाई भाई फुले ने कहा है, वही बात ज्योतिबा राव फुले ने कहा है, वही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि जिस दिन मंदिर का भीड़ विद्यालय की तरफ मुड़ेगा उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं पूरे भारतवासी से आह्वान करता हूँ कि 22 जनवरी को एक कदम भारत को महान बनाने की तरफ पूरे देश के विद्यालयों में मोमबत्ती जलाकर उजाला कर दो देशवासी। और मैं कहता हूँ जिस दिन पूरे देश के विद्यालयों में उजाला हो गया,
भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मोमबत्ती जलाने से। तो देखा आपने किस प्रकार से राजद के विधायक फतेह बहादुर जो हैं पहले विवादित बयान देते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों के ऊपर ही भड़कते हैं और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।